जिनको इस एक्ट से जो परेशानी हुई है वो और एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, तो होपफुली जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल वे आउट जो निकल सकता है तो उसी मॉडलिटी पे ये वो काम कर रहे हैं। फैमिली और एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, इसका क्या हल हो और किस तरीके से इसको निपटाया जाए। आप भी वहाँ बैठे हुए थे क्या? नहीं, हम तो जनरली बैठे हुए थे कि बट एंड ऑफ द डे कि उनका ही मानता है कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं, तो जो हमने कन्वे करना था एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम कन्वे, तो जो आप फैमिली की तरफ से है उसको कन्वे करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वर्किंग ऑन है, तो जो भी मसला होगा एमिकेबली बैठ के, जो भी हम भी चाहते हैं क्योंकि लोगों का मसला है, लोगों को परेशानी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन इसी के लिए होती है, तो लास्ट एंड रिजॉर्ट तो यही है, बात तो करके ही होनी है, तो उसी संदर्भ में हम भी आए थे। क्या डीसी कठुआ साहब ने कहा कि ये मैंने डीसी कठुआ ने ये कहा कि मैंने सीओ का इशू आपको बिल्डिंग तोड़ाने का या नहीं तोड़ाने का? नहीं, अब इशू है कि व्हाट इज नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अब इसकी कैसे भरपाई हो सकती है, कैसे काम हो सकता है, कैसे आगे ये लोग सारे जो जिनको परेशानी हुई है कैसे अकोमोडेट किए जाए, वो ये सर पूरे परिवार की कमर टूटी है, उनकी जीवन की पूंजी को व्यर्थ किया गया है, जो लोग इसमें शामिल थे प्लंथ भरने से लेकर इमारत तैयार होने तक सीईओ हुआ या प्रशासनिक रेवेन्यू के अधिकारी, क्या उन पर भी आप कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन पूरा कोर्स मेरा निवेदन है, आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ, मेरा निवेदन ये है कि जो जो हुआ है अनफॉर्चुनेट है जी, जो उसके लिए आगे जो कार्रवाई करनी है तो उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ गिव देम सम रूम, लेट अस सी इसमें बेस्ट पॉसिबल क्या निकल के आ सकता है। उसके बाद आप लोग सड़कों पर थे, हम जब क्या आश्वासन मिला डीसी कठुआ की तरफ? देखो जी, हमें ये पहले कहने लगे कि आप हमारे ऑफिस में क्यों नहीं आए, डीसी साहब के ऑफिस में। हम इधर ऑफिस में आए तो इन्होंने इधर इतनी तारें लगाई थी और इतने 10-20-50 लोग इनके पुलिस के अधिकारी थे कि हमें अंदर आने नहीं दिया। फिर कहते हैं आप हमारे पास आए क्यों नहीं। फिर हम उसके बाद हमें कालीबड़ी में जाकर धरना देना पड़ा। जब हमने एक घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे हो गए तो फिर जाके या प्रशासन या उधर हमारे पास आए। मुझे ये बताइए, ये तो अंधेरगर्दी है, जो अनलीगल जो जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, अगर एक बिल्डिंग है तो जो बाकी की 50-100-200 हजार बिल्डिंग है इधर, जो किसी के पास नक्शा भी नहीं है, तो उनका भी तोड़वाइए, फिर कल से उनका काम भी शुरू कर दीजिए। ये थोड़ा कि एक आदमी पे कानून है और बाकियों पे नहीं है। अब आप मिले डीसी कठुआ से, क्या कहना? कुछ नहीं कहे, उन्हें लाली पॉप देने की कोशिश की हमें, उन्होंने फिर लाली पॉप लो और घर को चले जाओ। तो ये ऑनर है, वो क्या लगते थे? ऑनर मेरे भाई साहब हैं छोटे, हम दो ही भाई हैं। सुबह से लापता है, वो हमारे पीछे लगे हैं ये, लेकिन उनको ढूंढने के पीछे कोई नहीं लगा हुआ है। पे हम देखें, चोर को ढूंढना होगा तो आधे घंटे में ढूंढ लेंगे ये, और उनके पीछे हमने इनको सुबह कर दिया, इन्फॉर्म किया कि जाओ उनको ढूंढो भाई, वो घर में नहीं है। बुश मुझे ये बताइए आप कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे काम करना है, उसके बाद जो इधर जाके देखते थे, खुद वो मजदूरी का काम भी उधर कर लेते थे, तो इन्होंने डीसी साहब को इतने वो निकले कि वो हमें हमारी बात ही नहीं सुन। हम परसों डीसी साहब के पास आए थे तो वो कहने लगे ये किसकी है ये जगह, महेंद्र पाल की। ऑनर कौन है? महेंद्र पाल जी। आप क्या हैं जी? बेटे हैं। आप क्या हैं जी? भाई हैं। अच्छा, फिर जो उधर पोल थे वो किसने लगवाए थे? हमने लगवाए थे। अब ऐसा करो, दोबारा पोल लगवाना, उल्टा करके बाप की जगह है, उल्टा करके टांगूंगा, ये कोई बात है कहने की? ये कौन सा अनपढ़ डीसी लगाया हुआ कठुआ में कि ऐसी बात करे कि ये अनपढ़ डीसी जो है हमें नहीं चाहिए इधर, और जो हमारा नुकसान हुआ है वो इनको दोबारा भरना पड़ेगा, हमें जो जितनी बिल्डिंग उसकी है वो दोबारा इन्होंने हमें बना के देनी है। अब अगला क्या डिसाइड किया? हमें डिसाइड किया कि हमें हमारा जो अपना ये है व्यापार मंडल का, वो कल भी बंद रहेगा। डीसी साहब हमें जितनी देर ये बना के नहीं देते, हमें लेटर नहीं देते, और हमें ये बताइए कि ये ऐसी नौबत क्यों आई कि रात के 2:30 बजे इन्होंने जेसीबी मंगवाई जम्मू से, 12 बजे वो 2 बजे इधर पहुंच गई जेसीबी, दूसरी जेसीबी थी वो बड़ी वाली, जो इधर 2 बजे पहुंच गई तो 3 बजे ने काम लगाना शुरू कर दिया। सीओ साहब 10 दिन की छुट्टी में गए थे, 3 तारीख उनको छुट्टी खत्म होनी थी, रात को सीओ साहब को फोन गया
भी आ जाओ। सीओ साहब ने शराब पी थी, वो ऐसे गड़ रहे, उनको पता ही नहीं था बेम क्या है। और हमने उधर जब हम गए, पहले तो उन्होंने रास्ते बंद किए थे सारे, कोई रास्ता खुला नहीं था। हम दूसरे रास्ते से पैदल गए, पैदल जाके देखा तो आगे सीओ साहब ऐसे करके बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। एसएचओ साहब भी तमाशा देख रहे हैं, तहसीलदार साहब भी तमाशा देख रहे हैं। और इनके पास ना कोई आर्डर है की कापी है, और ना कोई शाम का ये तड़वाने का कोई आर्डर है। जो अब तहसीलदार साहब आए हैं तो उनके पास भी पूछो भी हमें क्या आर्डर है बताओ हमें जरा, उनके पास भी कोई आर्डर की कॉपी नहीं है। एसएचओ साहब भी पूछा आपके पास कोई आर्डर कॉपी है, सीओ साहब को मुझे तो पता ही नहीं है जी। अगर आपको पता नहीं तो इधर क्या लेने आए आप, शराब पी के इधर थोड़ा काम करना था आपने। अब क्या कुल मिला के बंद रहेगा ये बाजार? बंद रहेगा, मार्केट बंद रहेगी जितने देर हमें ये आश्वासन ना दें। आश्वासन क्या, हमें लिख के दें कि हम आपकी बिल्डिंग को दोबारा तैयार करके देंगे। कल को कोई बिल्डिंग गिर जाती है, नीचे आ जाता है, फिर तो हमारे ऊपर ही केस लगते रहेंगे, हम तो केस ही भुगत रहेंगे इनके। तो हमें ये गुजारिश है कि हमें जो जैसी बिल्डिंग खड़ी थी वैसे करके दें। कल को उन्होंने एग्रीमेंट करवाया था हमसे, विशाल मेगा मार्ट वालों ने, कि जो कल को नुकसान कोई होगा उसकी रिस्पांसिबिलिटी आप होगी। अगर खाने पीने की आइटम कोई ले जाएगा उसमें कोई एक्सपायरी डेट बेचेंगे हम, वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है। ये हमें बता दीजिए कि कौन सी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, हम देंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को तो इन्होंने सड़क पे ला दिया, अब इनको भी सड़क पे लाना चाहिए। ये तो किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या डिमांड करते हैं हमारे फूड ब्लॉक? देखिए जिन्होंने कार्रवाई की है वही बता सकते हैं कि किस एक्ट के तहत उन्होंने की है। अभी तक तो कोई सेटिस्फेक्ट्री जवाब आया नहीं। जैसे मेरे छोटे भाई बेचारे हमारे बच्चे बोल रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग अगर इनकी बात कोई माना जाए तो कोई हुआ नहीं क्या गुंडागर्दी दिखानी है क्या हम लोगों ने, या कोई फिल्म देख ली है जो कोई जिंगम वाली, या हमने वो जाना तो जिंगम करके लोगों को दिखाना तो जाए सिनर में जाकर दिखाओ, यहाँ क्यों दिखाते शरीफ लोगों को? इसलिए हम तो इनकी फैमिली के साथ हैं, जो भी ये हुक्म करेंगे हमारा कोई फैसला नहीं है, जो ये बोलेंगे हम उनके साथ करेंगे, हम तो समाज के साथ खड़े हैं। सीधी सी बात, क्या देखते हैं बात को आगे रखते हैं तो क्या देखते हैं इस तरह का ये? देखिए मैं कल दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आधी रात को जाना तोड़ना, तोड़नी है तो दिन में तोड़ो जाकर, इतनी पुलिस लगा देनी हर नाके पे पुलिस लगा देनी। अरे भैया लगानी है तो जाइए स्मगलरों के खिलाफ लगाओ, माइनिंग वालों के खिलाफ लगाओ, चिट्टे वालों के खिलाफ लगाओ, जो रोज चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ लगाओ ना, तो समाज को फायदा होगा। ये सिर्फ लोगों को डरा के क्या करोगे आप? इसलिए कहीं ना कहीं गलत व्यवस्था है, ये ठीक होनी चाहिए। बहुत बहुत जो भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लाखों का करोड़ों का सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था, अगर उसको निकालने देते तो क्या फर्क पड़ता? और वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं रही थी, कमर्शियल एक्टिविटी होती तो फिर आप बोलते कि भाई यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ तो अभी वो बंद था, ठीक है ना, तो अभी बंद रहने देते। जब कमर्शियल एक्टिविटी आप जहाँ उसको सील कर दो, बहुत सी ऑप्शन है, तोड़ने की जरूरत क्या है? और वो बिल्डिंग इतनी अनसेफ हो गई है, आगे पीछे वाले लोग जो है वो भी अनसिक्योर है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं। और समान समून जो भी उत्थे नुकसान हो रहा सारी भरपाई की करे डीसी करे, बल्लू प्रधान करे या दूसरा और सरदार है वो कर, तो मेरा आदमी इतने बुलाया जाए दोबारा, मेरा आदमी तुप्पण इतने साढ़े घर अज ही बजा। तुम भी सवेरे दे उठे हो? मेरा सारा परिवार तितर बितर होई गया, मी कोई पता नहीं क्यों आ रहा है ये नहीं आ रहा है, मतलब 15 दिन इन्ने परेशान ही कि मतलब उन्हें मेंटली रैश करा तो कभी एक जगह फोन कराया कभी दूसरी जगह फोन करा दे, सब समझ नहीं आ रहे। वो मतलब कि एक मिनट टिके दुकान नहीं बैठा रही, उनकी जगह मी बैठने पवा रही, बस दुकान के लड़के ही हैंडल कर दी, ये बेचारा उत्थे कोटा ही दौड़ा रही, ना उन्हें कोई आर्डर मिला, बस इसे गल से परेशानी कि सू कोई आर्डर तो दो कोई भाई किस वजह तोड़ी थी रातों रात ही तोड़ी थी बिल्डिंग। बस मैं देखदा भी मैं थोड़ी कोई भरपूर मदद करांगा, पर मदद किस तरह की करनगे? वो सानू बिल्डिंग तैयार करिए देंगे जां साडा मतलब कि जेड़ा विशाल मेगा मार्ट खुल्ला वो खोलिए देंगे, और साडा जेड़ा बैंकां दे असीं लोन ले रहे हैं कि सानू के समझदे कि असीं अंदरों पैसे कड्डी कड्डी बनाणे आए, असीं बैंकां दे लोन ले रहे हैं, और सारे वो चीजा जेडियां उन्हें ही पता है कुत्थों कुत्थों उन्होंने लोन ले रहे हैं, कुत्थों मकाणे आ, मेरा बच्चा कियां मकाग इन्ना लोन, मेरी सारी फैमिली तितर बितर होई गई है, मैं कली जनानी के कर सकती, मैं अपने परिवार संभाला दुकान संभाल गई, मैं कुछ जाती ये बच्चा के करेगा, मैं मेरे पहले आदमी तुपया जाए।